आईपीएल के प्रसिद्ध होने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में टी20 लीग की शुरुआत हुई। इसी क्रम में यूएई और दक्षिण अफ्रीका में भी लीग की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की लीग में आईपीएल के ही मालिकों ने टीम खरीदी है। इसमें चेन्नई सुपर किंग का नाम भी शामिल है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके के मालिकों ने जोहान्सबर्ग की फ्रेंचाइजी खरीदी है। लीग के मुकाबले अगले साल जनवरी में खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी को जोहान्सबर्ग फ्रेंचाइजी का मेंटोर बनाने की तैयारी में है। 2004 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वो घरेलू क्रिकेट में भी नहीं खेले हैं, सिर्फ आईपीएल के मुकाबलों में ही धोनी खेलते नजर आए हैं। दरअसल बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेने के बाद ही दुनिया की किसी और लीग में किसी तरह की भूमिका भी निभा पाएंगे। यानी कि धोनी को दक्षिण अफ्रीका में मेंटोर बनने के लिए आईपीएल से संन्यास लेना होगा। दरअसल सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा यह साफ है कि घरेलू खिलाड़ियों सहित कोई भी भारतीय खिलाड़ी तब तक किसी अन्य लीग में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक वो खेल के सभी प्ररूपों से संन्यास नहीं ले लेता। अगर कोई खिलाड़ी इन आगामी लीग में भाग लेना चाहता है तो वो ऐसा तभी कर सकता है जब वो बीसीसीआई से सभी संबंध तोड़ ले। धोनी के मेंटोर बनने के सवाल पर अधिकारी ने साफ कर दिया कि वो फिर चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे, उन्हें संन्यास लेना ही होगा। इससे साफ हो गया है कि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के लिए खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका लीग में किसी भी भूमिका में नजर नहीं आएंगे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।